ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। कुछ भी लिखेंगे नहीं, केवल देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग हेडिंग के क्वेश्चन समझने से पहले ये जरूर समझ लिया जाए, कुछ लिखना नहीं केवल सुनना है, ये सिर्फ जरूर समझ लो कि आखिर रेगुलेशन का मतलब यहाँ क्या होता है। तो रेगुलेशन का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि मान लेते अभी यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी सामान्य ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप भी सामान्य ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कि अभी यहाँ सांप निकल आए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो जाए। तो अगर यहाँ सिचुएशन इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी तो हमको भागना पड़ेगा, और जैसे हम लोग भागेंगे वैसे क्या होगा, मसल की एनर्जी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मसल की O2 की डिमांड भी तो बढ़ जाएगी। और अगर मसल की O2 की डिमांड बढ़ी तो कौन पूरा करेगा उसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही तो पूरा करेगा। तो तुरंत हमको ब्रीदिंग रेट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, फिर हम लोग भाग के बाहर जाएंगे, जब भाग के बाहर जाएंगे तो ये फील होगा कि अब टेंशन खत्म हो गई है, और जब टेंशन खत्म हो गई है तो फिर से ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास योग्यता है कि हम ब्रीदिंग के रेट और ब्रीदिंग के रिदिम को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, जैसे सिचुएशन ये है कि अभी हमको भागना है तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना चाहिए, और अभी आराम हो गई है तो ब्रीदिंग रेट फिर से नॉर्मल हो जाए, फिर समस्या आ जाए तो फिर से रेट बढ़ जाए, फिर समस्या खत्म हो जाए फिर से रेट घट जाए। तो ब्रीदिंग रेट रेगुलेट करने का जो मेन मतलब है, वो मेन मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन ब्रीदिंग के रेट और ब्रीदिंग के रिदिम को क्या किया जाए, एडजस्ट किया जाए। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, ब्रीदिंग का रेट और ब्रीदिंग की रिदिम, ये दोनों चीजें क्या की जाएं, एडजस्ट की जाएं। ब्रीदिंग रेट और रिदिम दोनों को क्या किया जाए, एडजस्ट किया जाए, किसके हिसाब से, डिमांड ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से ब्रीदिंग रेट और रिदिम को क्या किया जाए, एडजस्ट किया जाए। इसी एडजस्टमेंट को ही क्या कहते हैं, तो आंसर देंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये योग्यता हम लोगों के पास है, ह्यूमन के पास ये एबिलिटी है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या, रेट भी और क्या रिदिम भी, किसके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। इसी को कहते क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अब सवाल है कौन करेगा, ऐसे तो हो नहीं जाएगा, क्यों, देखिए लंग्स यहाँ रखे हैं और मसल यहाँ रखी हैं, तेज दौड़ना है तो मसल की एक्टिविटी हो गई है। अब जैसे मसल की एक्टिविटी बढ़ गई है तो फेफड़ों को कैसे पता चले कि मसल की एक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई सिस्टम जरूर है हमारे शरीर में जो फेफड़ों को ये बताएगा जरूर कि काम करिए, ब्रीदिंग रेट क्या करिए, बढ़ा दीजिए, क्योंकि मसल की एक्टिविटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो रेगुलेशन कौन कराता है वो आपको समझना है। तो देखिएगा, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इसको कौन करता है, तो आंसर देंगे ये न्यूरल सिस्टम करता है। कौन करता है, न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम में कई चीजें आती हैं भाई, न्यूरल सिस्टम में ब्रेन भी आता है, स्पाइनल कार्ड भी आता है, CNS होता है, PNS होता है, तो न्यूरल सिस्टम में कौन करेगा, तो न्यूरल सिस्टम में ये जिम्मेदारी उठाई है ब्रेन ने। किसने उठाई है, ब्रेन। अब ब्रेन भी बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ब्रेन में सेरिब्रम है, थैलमस है, हाइपोथैलमस है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें पाई जाती हैं। तो फिर ब्रेन में कौन करेगा, तो ब्रेन में ये काम कौन करता है, तो आंसर देंगे मेडुला।
मेडुला ऑब्लांगाटा जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो क्या मेडुला ऑब्लांगाटा ब्रेन से फेफड़ों तक चल के आएगा कि ऐसा करो तेज दौड़ना शुरू करो, ब्रीदिंग रेट बढ़ा दो? ऐसा तो होगा नहीं, तो कोई और सिस्टम भी होगा। तो होता यह है कि जो ये मेडुला ऑब्लांगाटा है, या कह सकते हो जो ब्रेन है, यहां पर स्पेशली ब्रेन पर स्पेशली पाए जाते हैं न्यूरल सेंटर, जिनको कहते हैं रेस्पायरेटरी सेंटर। न्यूरल सेंटर या रेस्पायरेटरी सेंटर पाए जाते हैं। अच्छा, जैसे मान लेते हैं आपको कोई काम दिया जाता है तो आपको लगता है कि आप अकेले काम नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपके मम्मी पापा ने कुछ कहा कि जाओ ये काम कर लो, तो आप कहते हो ऐसा करो छोटे भाई को साथ में भेज दो या बड़े भाई को साथ में भेज दो, किसी न किसी को आप हेल्प ले लेते हो। तो यही हाल यहाँ भी हुआ है। मेडुला ऑब्लांगाटा से कहा गया कि ऐसा करो रेस्पायरेशन के रेट और रिदिम को एडजस्ट करो। तो कहा ठीक है, हम एडजस्ट तो कर लेंगे, लेकिन हमको थोड़ी सी मदद चाहिए। किसकी? तो मेडुला ऑब्लांगाटा के साथ किसकी मदद ले ली गई है? पॉन्स वेरोलाई, ये भी ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन या न्यूरल सिस्टम में कौन है जो रेस्पिरेटरन की ब्रीदिंग या रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है? तो आंसर देंगे मेडुला और कौन सा, पॉन्स। हाँ, अगर चूज करना पड़े तो हम क्या लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे? मेडुला लगाएंगे। इसका मतलब है कि जो ये रेस्पिरेटरी सेंटर हैं ये कहाँ पाए जाते होंगे? तो आप क्या कहोगे, ये मेडुला पर भी पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्स वेरोलाई। तो घुमा फिरा करके बात ये है कि हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम ब्रीदिंग के रेट और ब्रीदिंग के रिदिम को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ न्यूरल सेंटर प्रेजेंट एट कहाँ, ब्रेन, और ब्रेन में कहाँ? तो आंसर क्या देंगे, मेडुला ऑब्लांगाटा, और आंसर क्या देंगे, पॉन्स वेरोलाई। हाँ, चूज करना पड़ेगा तो क्या लगा दोगे, मेडुला ऑब्लांगाटा। अब कैसे वो देखो, तो अभी हम लोगों ने पढ़ाया बताया है कि रेस्पिरेटरी सेंटर या क्या कहोगे न्यूरल सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर या न्यूरल सेंटर पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, तो रेस्पिरेटरी सेंटर या न्यूरल सेंटर दो होते हैं। एक का नाम है रेस्पायरेटरी रिदिम सेंटर और एक का नाम है न्यूमो टैक्सिक सेंटर। याद रखना है, आपको रटना है कि जो रेस्पायरेटरी रिदिम सेंटर है वो कहाँ है, एट मेडुला, और न्यूमो टैक्सिक सेंटर कहाँ है, तो ये भी आप याद रखेंगे कहाँ है, एट पॉन्स। ये तो रटने वाला सवाल है कि ये सेंटर कहाँ है और ये सेंटर कहाँ है। काम देखिए, यही प्राइमरी सेंटर है, ये प्राइमरी सेंटर ऑफ रेगुलेशन, ब्रीदिंग को रेगुलेट करने का मेन सेंटर कौन सा है, रेस्पिरेटरी रिदिम सेंटर कहाँ का, मेडुला। ये केवल मदद करता है, ये मॉडरेट कर सकता है, किसको, मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदिम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदिम सेंटर के फंक्शन को केवल मॉडरेट कर सकता है। मेन काम किसका है, रेस्पिरेटरी रिदिम सेंटर का ही। सब एनसीईआरटी में सच ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करता ही होगा ये, तो कुछ ना कुछ देखो क्या करता है। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, क्या, ये अल्टर कर सकता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। देखो हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये इंस्पायरेशन, सांस लिया और फिर सांस छोड़ा, तो लेने में टाइम कुछ लगा और कुछ छोड़ने में टाइम लगा। अगर आप जल्दी जल्दी सांस लो, अगर ऐसे ऐसे सांस लो, तो मिनट भर में ज्यादा लोगे कि कम,
तो ज्यादा लोगे। और अगर लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो तो क्या करोगे कम? तो ध्यान से सुनिएगा, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर एनसीईआरटी में लिखा है कि ये अल्टर करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ये वास्तव में घटाता है, ये वास्तव में घटाता है। टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन के समय को घटा देता है। तो अगर इंस्पायरेशन के समय को हम घटा देंगे तो बताओ ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा कि घटेगा? टाइम अगर घटा देंगे तो रेट क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी नाते ये इनक्रीज करता है। ब्रीदिंग रेट को, ये बहुत बढ़िया सवाल लिखा है। क्या न्यूमोटैक्सिक सेंटर का हमारे ब्रीदिंग पर क्या असर है? तो कहोगे ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। एनसीईआरटी में बढ़ाना नहीं लिखा, एनसीईआरटी में लिखा अल्टर कर देता है। अल्टर मतलब चेंज। अब चेंज में तो दो चेंज होते हैं, बढ़ना और क्या घटना। तो ये क्या करता है? ये बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? तब आंसर आप दोगे क्या? ये घटा देता है क्या? टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। इसी नाते ये चेंज कर देता है क्या? फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। किसके कहने पे सब ये काम चलता है? तो आंसर देंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो फिर से सुनेंगे, हमारे पास ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाए जाते हैं, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर दो होते हैं। इसमें से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है मेडुला पर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है पॉन्स पर, और दोनों का अपना अपना काम है। प्राइमरी सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम वाला ही होता है, मेडुला वाला केवल उसकी मदद करने के लिए पाया जाता है। हाँ सॉरी, पॉन्स वाला जो है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और इसका काम नहीं भूलेंगे, क्या दिया है? ये रिड्यूस करता है टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, इसी नाते इंक्रीज कर देता है क्या? ब्रीदिंग रेट। अब सवाल ये है कि कैसे ये चेंज करेंगे? कोई ना कोई मैकेनिज्म और पीछे चल रही है। तो असली कहानी है कि कौन सी चीज है जो ये कहती है कि अब ब्रीदिंग रेट बढ़ा लो, या कौन सी चीज है जो कहती है कि अब ब्रीदिंग रेट घटा दो। तो हमें अब ये फैक्टर पता होने चाहिए कि कौन से फैक्टर हैं जो ब्रीदिंग के रेट को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो देखते हैं क्या फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट को कौन कौन से लोग प्रभावित करते हैं। तो हमको याद रखना है क्या, इसमें कई चीजें हैं। एक है CO2 कंसंट्रेशन, इन ब्लड, हमारे ब्लड में CO2 कितनी है? CO2 किससे ही जुड़ा मसला कितना किसका होता है? H+ कंसंट्रेशन इन ब्लड। अगर H+ है तो साथ में हमको क्या मिल सकता है? बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर का भी ब्रीदिंग के रेट पर कुछ असर पाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि सिर्फ यहाँ इसी को डिस्कस किया है तो यहाँ इसी का असर देखेंगे, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर का भी असर होता है। अगर हम लोगों को बुखार होता है, अगर हम लोगों को बुखार होता है तो कुछ गलत लिख गया क्या? अच्छा टेम्परेशन हो गया है, चलो सही हो गया। टेम्परेचर का असर देखो कैसे है कि अगर बढ़ा दिया जाए टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा क्या? ब्रीदिंग रेट। ये आपको याद रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो दिए हैं। तो आपको CO2 और H+ का असर याद रखना है। कुछ नहीं, सिंपल है कि अगर बढ़ जाए क्या CO2
अगर बढ़ जाए CO2 और क्या H प्लस, तो तुरंत बढ़ जाएगा क्या? ब्रीदिंग रेट। और अगर घट जाए CO2 एंड H प्लस, तो तुरंत घट जाएगा ब्रीदिंग रेट। एक बहुत बढ़िया सवाल और है, ब्रीदिंग रेट पर किसका असर बहुत ज्यादा नहीं है, सिग्निफिकेंट रोल नहीं है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है, असर तो उसका भी कुछ ना कुछ होता होगा, लेकिन महत्वपूर्ण असर नहीं है। मेन रोल किसका है? CO2 और H+ का। तो ये स्टार बना करके आपको याद रखना है। O2 कंसंट्रेशन इन ब्लड, इसका नो सिग्निफिकेंट रोल। इन ब्रीदिंग ब्रीदिंग रेट में किसका सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, तो आंसर क्या दोगे? किसका मेन रोल नहीं है? O2 का। मेन रोल किसका है? CO2 और H+ का। इसी नाते एग्जामिनर ने एक सवाल बनाया है कि अगर हम अपनी सांसें रोक लें, तो जरा रोक के देखो। तो थोड़ी देर बाद आपको सांस लेना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, अगर हम अपनी सांसें रोक लें, तो हमको थोड़ी देर बाद सांस लेना पड़ता है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि इफ वी होल्ड अवर ब्रीद, हमारे ब्लड में ऐसा क्या चेंज होता है कि हमको सांस लेना पड़ता है? ऑप्शन देखो, अगर हम होल्ड कर दें ब्रीदिंग को, तो जैसे ही सांस लेना बंद करोगे, वैसे देखो क्या होगा, बाहर से O2 आना बंद हो जाएगी, तो हमारे ब्लड में क्या घटने लगेगी? O2 घटने लगेगी, लेकिन साथ में हमारे ब्लड में क्या बढ़ने लगेगी? CO2 बढ़ने लगेगी। और अगर CO2 बढ़ा तो H+ भी बढ़ने लगेगा। अब ध्यान देखिएगा, ऑप्शन देखो कैसे बनाए। अगर हम अपनी सांसें रोक लें, तो हमारे देखो ब्लड में चेंज क्या आएगा, हमारे ब्लड में O2 घट जाएगा, सही बात है, CO2 बढ़ जाएगा, सही बात है, H बढ़ जाएगा, सही बात है, लेकिन हमको सांस लेने के लिए कौन बाध्य करता है? ऑप्शन देखो एग्जामिनर कैसे बनाया है। पहला ऑप्शन दिया है घटा हुआ O2, दूसरा ऑप्शन बढ़ा हुआ CO2, तीसरा ऑप्शन घटा हुआ O2 और बढ़ा हुआ CO2। ये तीन ऑप्शन है, ये A है, ये B है और ये C है। चौथा ऑप्शन छोड़ दो, तीन ही ऑप्शन है। अगर हम अपनी सांसें रोक लें, तो हमको सांस लेने के लिए कौन मजबूर कर देता है? पहला ऑप्शन घटा हुआ O2, दूसरा ऑप्शन बढ़ा हुआ CO2, तीसरा घटा हुआ O2 और बढ़ा हुआ CO2। पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा? इसमें से बहुत सारे लोग एग्जाम में जानते हो क्या किए थे, इसमें ये आंसर लगा दिए थे और ये हो गया गलत। इसका आंसर जानते हो कौन सा होगा? बी होगा। ये क्यों नहीं होगा? अभी पीछे बता के आया हूं कि ब्रीदिंग रेट में O2 कंसंट्रेशन का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। इसी नाते इस क्वेश्चन में क्या होगा, O2 लगाओगे? वो अलग बात है कि हाँ O2 घटा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, CO2 बढ़ा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन आंसर तो कोई और होगा ना। आंसर होगा O2 घटा होना, CO2 बढ़ा होना, O2 घटा और CO2 बढ़ा।
बढ़ा तो कौन सा लगाओगे? तो सिर्फ ये लगाओगे, क्या? CO2 बढ़ा हुआ। ये AIPMT 2015 में आया हुआ सवाल है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में डिजाइन होते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेंगे तो O2 घटेगा और CO2 बढ़ेगा, लेकिन सांस लेने के लिए मजबूर कौन करेगा? तो आंसर क्या दोगे? बढ़ा हुआ CO2, ना कि बढ़ा हुआ CO2 और घटा हुआ O2। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। अब असली बात यह है कि ठीक है, हमने सांसें रोक ली या कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमारे ब्लड में O2 घटा और हमारे ब्लड में CO2 बढ़ा। तो ब्लड में बढ़ा है ना, ब्रेन में थोड़े बढ़ गया है कि फेफड़े में बढ़ गया है। तो ब्रीदिंग रेट कैसे बढ़ जाता है? चेंज कहाँ आया है? ब्लड में। और चेंज दिख कहाँ रहा है? फेफड़ों में। ये कैसे हो रहा है? तो कुछ और भी कहानी है। इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में जो CO2 और H+ की कंसंट्रेशन चेंज होती है वो ब्रेन को बताई जाती होगी कि देखो ब्लड में CO2 बढ़ रहा है, ब्रीदिंग रेट क्या करिए? बढ़ा दीजिए। या ब्लड में CO2 घट रहा है, ब्रीदिंग रेट क्या कर दिए? घटा दीजिए। तो कोई ना कोई तो ब्रेन को बताता होगा। तो काम की बात देखो, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ इन ब्लड, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन को पता चल जाती है, डिटेक्टेड बाई तो देखो कैसे कैसे डिटेक्ट होती है। इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये हम लोगों का हार्ट है, ठीक, और हार्ट है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है एओर्टा। तो शुरू करते हैं, ये है एओर्टा जो बॉडी में चला गया है, इसको कहते हैं एओर्टिक आर्च। ठीक है, इसी एओर्टिक आर्च से एक ब्लड सप्लाई चलती है जो ब्रेन को जाती है। जो ब्रेन को सप्लाई गई है इसको कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। क्या कहते हैं? कैरोटिड आर्टरी। और ये मान लेते हैं कि ब्रेन है, और ब्रेन में भी देख लेते हैं कौन सा है। ये मान लेते हैं कि ये मेडुला है और ये मान लेते हैं कि क्या है, पोन्स है। अगर ये मेडुला है तो मेडुला पर क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पोन्स पर क्या पाया जाता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नाम भी लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, और मान लेते हैं ये क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये ब्लड सप्लाई है, ये ब्लड सप्लाई है जो ब्रेन से गुजर गई है। तो होता क्या है कि जब ब्लड ब्रेन को जा रहा था, तो ब्रेन को जाने वाले ब्लड में कितनी CO2 है और कितना H+ है, इसको तीन जगह पकड़ा जाता है। देखो कहां कहां पकड़ा जाता है, ये जो एओर्टिक आर्च है, इस एओर्टिक आर्च पर एक रिसेप्टर पाया जाता है, इस कैरोटिड आर्टरी पर एक रिसेप्टर पाया जाता है, और इस ब्रेन में भी एक रिसेप्टर पाया जाता है। तीन रिसेप्टर होते हैं, देखो कौन कौन से। ये हैं रिसेप्टर फॉर CO2 एंड क्या H+। कहां कहां जरा बताओ, एक कहां है और एक कहां है? ये तुरंत जानते हो क्या करेंगे? जब ब्लड इनसे गुजर रहा होगा तो इनको तुरंत पता चल जाएगा और तुरंत इंफॉर्मेशन भेज देंगे
किसको? रेस्पायरेटरी रिदिम सेंटर, जो कि है कहाँ, कहाँ है? मेडुला पर। तो सबसे पहले इसको पता चलेगा, ये तुरंत इसको सूचना देगा, फिर इसको पता चलेगा, तुरंत इसको सूचना देगा, तब तक ब्लड स्वयं वहां पहुंच जाएगा। और जैसे ब्लड वहां पहुंचेगा, यहां पर फिर पाया जाता है कौन सा? इसका नाम है कीमोसेंसरी एरिया। ध्यान से सुनिए, कीमोसेंसरी एरिया कहाँ है? तो कहोगे मेडुला पर है। और कहाँ है? इसी रेस्पायरेटरी रिदिम सेंटर के जस्ट बगल में है, एट कहाँ और एडजेसेंट टू रेस्पायरेटरी रिदिम सेंटर। ध्यान से सुनिएगा, कीमोसेंसरी एरिया कहाँ पाया जाता है? तो क्या बताओगे? कहोगे ये पाया जाता है मेडुला पर। और मेडुला पर भी कहाँ पाया जाता है? तो बिल्कुल बगल में है, किसके? रेस्पायरेटरी रिदिम सेंटर के। जानते हो क्या होगा? इसको भी पता चल जाएगा कि CO2 और H+ की कंसंट्रेशन क्या है, और ये तुरंत सूचना दे देगा किसको? रेस्पायरेटरी रिदिम सेंटर। तो रेस्पायरेटरी रिदिम सेंटर को CO2 और H+ की कंसंट्रेशन तीन लोग बताते हैं। कौन कौन? एक रिसेप्टर कहाँ है? एओर्टिक आर्च। एक रिसेप्टर कहाँ है? कैरोटिड आर्टरी। और एक रिसेप्टर क्या है? कीमोसेंसरी एरिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ इन ब्लड डिटेक्टेड बाई, तो क्या क्या आंसर दोगे? तो आंसर दोगे पहला ये रिसेप्टर एट कहां? एओर्टिक आर्च। दूसरा क्या दोगे? रिसेप्टर एट कहां बेटा? कैरोटिड आर्टरी। और तीसरा आंसर क्या दोगे? तीसरा आंसर तो यही दोगे, कीमोसेंसरी एरिया। तो कीमोसेंसरी एरिया एट कहां? मेडुला। ये क्या है बेटा? कैरोटिड आर्टरी। तो ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। इन तीनों को पता चल गया कि CO2 और H+ की कंसंट्रेशन क्या है, और जैसे ही पता चला वैसे किसको सूचना दे दिए? रेस्पायरेटरी रिदिम सेंटर। और रेस्पायरेटरी रिदिम सेंटर क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, वैसे ही रेट बढ़ाएगा। अगर ज्यादा CO2 बढ़ी होगी तो ज्यादा रेट बढ़ा देगा, और अगर थोड़ी बहुत बढ़ी होगी तो थोड़े बहुत बढ़ाएगा। एनसीआरटी में लिखा है कि यह रेमिडियल एक्शन करेगा, रेस्पायरेटरी रिदिम सेंटर रिमीडियल एक्शन करेगा। और रिमीडियल का मतलब ये उस हिसाब से करेगा कि भाई देखो CO2 कम बढ़ी है तो थोड़ा रेट बढ़ा के काम चला लो, और अगर CO2 बहुत बढ़ी है तो फिर ज्यादा रेट बढ़ा के बढ़ा लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी पानी में डूब गया और डूबने से उसकी मौत हो गई कि नहीं हुई, वो बेहोश मिला, तो करते क्या है? पहले उसको पेट के बल लेटा देते हैं, फिर उसके दबाते हैं जिससे उसका पानी सारा बाहर निकल जाए, तो उसके फेफड़ों में जो पानी है वो बाहर निकल गया, चलो ठीक। फिर करते क्या है? उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, तो मुंह से फूंकते हैं उसके मुंह में, क्यों? ऑक्सीजन देने के लिए। मतलब तुम फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, अंदर तुम्हारे O2 भरी पड़ी है, आराम से दिमाग लगाओ, फिर से सुनते हैं। एक आदमी पानी में डूब गया, उसको बाहर निकाल के लाए, पहले उसको पेट के भर लिटाए, उसके अंदर का पानी सब बाहर निकाले, उसके बाद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करते हैं और देखते हैं, फिर वो होश में आ जाता है अक्सर। तो कैसे होश में आ जाता है? बहुत सही बता रहा है, जब हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो उसके मुंह में जब हम फूंकते हैं तो अपनी एक्सपायर एयर फूंकते हैं कि इंस्पायर? एक्सपायर वाली ना, हम जो सांस छोड़ते हैं वही तो उसके मुंह में जाएगी, और जो हम सांस छोड़ेंगे उसमें CO2 ज्यादा होगी कि O2? CO2 ज्यादा होगी ना, वो CO2 जाएगी उसके फेफड़े में और वहां जाएगी ब्लड में। अगर हार्ट चल रहा है तो फिर वो CO2 कहाँ जाएगी? ब्रेन को। और जैसे ही ब्रेन को CO2 पहुंचेगी,
वैसे वहां से आदेश आ जाएगा कि रेट क्या करो, बढ़ाओ। और एक बार आदेश आ गया रेट बढ़ाओ तो सांसें चल जाएंगी, और एक बार सांसें चल गई तो बस काम बन गया। फिर तो डूबते हुए आदमी को बचा ले जाते हैं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के द्वारा। कैसे? तो जब माउथ से उसके माउथ में पंप करते हैं हवा, तो उसमें CO2 पंप करते हैं, और वो CO2 जा करके क्या करती है, हो सकता है कहाँ पहुंच जाए, ब्रेन तक पहुंच जाए ब्लड के द्वारा। और अगर पहुंच गई, एक बार वहां से सिग्नल जारी हो गया काहे का कि सेंटर से कि ऐसा करो रेट बढ़ाओ, बस जहां से वहां से आदेश आने लगा, बस यहां ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा स्टार्ट, और सांसें चलने लगी, और सांसें चलने लगी बस काम बन गया। तो डूबते हुए आदमी को मिले तो उसका वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है, उसको बचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का हॉस्पिटल में जन्म होता है और बच्चे रोते नहीं हैं, सांसें उनकी नहीं चलती, उनको भी ऐसे करते हैं, उन बच्चों को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे के कोशिश करते हैं कि हो सकता है उनकी ब्रीदिंग क्या हो जाए, चल जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। जितनी मैंने बातें बताई हैं ये सब रेगुलेशन आप ब्रीदिंग में सुन लीजिए, फिर एक बार आराम से एनसीईआरटी पढ़िए। जितनी कहानी सुनाई है, कहानी सिर्फ देखो ये सुनाई है, सबसे पहला ये बात बताई है कि हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम ब्रीदिंग के रेट को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन, और ये योग्यता हम लोगों के पास इस नाते है क्योंकि हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में दो ब्रेन, और ब्रेन में मेडुला और पांस, तो ब्रेन में जो मेडुला और पांस हैं वो क्या करते हैं, उनके पास पाया जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करते हैं वो आगे समझ में आके आएगा। रेस्पिरेटरी सेंटर दो कैटेगरी के होते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी रिदिम सेंटर और एक का नाम न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जो रिदिम सेंटर है वही प्राइमरी सेंटर है, वो मेडुला पर पाया जाता है, जबकि जो न्यूमोटैक्सिक वाला है वो मदद करने के लिए होता है और वो पॉन्स पर पाया जाता है। लेकिन पॉन्स वाले का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, ये रिड्यूस करता है टाइम ऑफ इंस्पायरेशन और बढ़ा देता है क्या, ब्रीदिंग के रेट को। लेकिन किसके कहने पर ये काम किया जाएगा, तो किसके कहने पर, तो आप कहोगे CO2 और H+ के कंसंट्रेशन चेंज होने पर, हाँ साथ में क्या बॉडी टेम्परेचर। CO2 और H+ का क्या असर है वो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्या CO2 बढ़ाओगे H बढ़ाओगे तो ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, और CO2 घटाओगे H घटाओगे तो ब्रीदिंग रेट घटेगा। हाँ किसका और बहुत ज्यादा रोल नहीं है, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। इसी नाते क्वेश्चन पूछता है कि सांसें रोक लेने पर सांस लेने के लिए कौन मजबूर करता है, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, आंसर देंगे बढ़ा हुआ CO2 ना कि घटा हुआ O2, ठीक है। फिर हमने बताया कि आखिर होता क्या है, तो CO2 और H+ की कंसंट्रेशन कौन पता करेगा, तो तीन लोग पता करते हैं, एओर्टिक आर्च के रिसेप्टर, कैरोटिड आर्टरी के रिसेप्टर और कीमोसेंसरी एरिया। इन तीनों दोनों को जैसे पता चलेगा तुरंत सिग्नल भेजेंगे किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये तो वही बगल में ही रखा है, तुरंत मिलेगा, तुरंत सूचना कहाँ पहुंचेगी, सेंटर, और फिर रेमेडियल एक्शन करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो, फिर हम भी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं।
चलो देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा है इसी बात को। लिखा है ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन और मॉडरेट, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं किसको, रेस्पिरेटरी रिदिम को, जो सूट करे किसको, डिमांड ऑफ बॉडी। ये है दिस का मतलब, यह काम कौन करेगा, न्यूरल सिस्टम। कैसे, देखो लिखा है स्पेशल सेंटर प्रेजेंट है कहाँ, मेडुला पर, कहते क्या हो, रेस्पिरेटरी रिदिम सेंटर। ये देखो लिखा है प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर दिस रेगुलेशन, तो रेगुलेशन का प्राइमरी सेंटर कौन सा है, तो रेगुलेशन का प्राइमरी सेंटर रेस्पिरेटरी रिदिम सेंटर है। फिर देखो एक और सेंटर पाया जाता है कहां, पॉन्स रीजन में ऑफ द ब्रेन, कहते क्या हो, कहते हैं इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या करता है, ये मॉडरेट कर सकता है फंक्शन ऑफ क्या, रेस्पिरेटरी रिदिम सेंटर। और कैसे मॉडरेट करेगा ये भी देखो, देखो लिखा है न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस, दिस का मतलब, दिस का मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कैन रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ क्या, इंस्पायरेशन, और इसी नाते अल्टर करेगा क्या, रेस्पिरेटरी रेट। लेकिन क्या अल्टर करेगा ये नहीं लिखा है, घटाएगा कि बढ़ाएगा, तो रेट बढ़ाएगा और टाइम घटाएगा। एक कीमोसेंसरी एरिया है, कहाँ है बेटा, एडजेसेंट टू रिदिम सेंटर, ये हाईली सेंसिटिव है किसके लिए, CO2 और H+ के लिए। तो जैसे ही दीज सब्सटेंस, दीज का मतलब यही क्या, H+ और CO2, जैसे ही बढ़ेंगे वैसे एक्टिवेट करेंगे दिस, दिस का मतलब ये है कीमोसेंसरी एरिया, ये तुरंत सिग्नल भेजेगा किसको, रिदिम सेंटर को, और उससे क्या हो जाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, पर्पज क्या होगा, ये सब्सटेंस क्या हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं। लेकिन अगर रिसेप्टर की बात करो तो कहाँ है, एरोटिक आर्च, और कहाँ है, ये भी रिकग्नाइज करेंगे क्या, CO2 और H+ के चेंज को, और ये भी सेंड करेंगे क्या, सिग्नल किसको, रिदिम सेंटर को। पर्पज क्या है, पर्पज तो वही है रेमेडियल एक्शन। फिर देखो लिखा है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदिम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट कि इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी बातें लिखी हैं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग क्या, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें पहला डिसऑर्डर अस्थमा दिया हुआ है। अब अस्थमा की बात करें, देखो देखो जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना तो आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं। जैसे क्या क्या लिखा है अस्थमा में, तो सबसे पहले लिखा है कि क्या लिखा है, ये एक प्रकार की एलर्जिक डिजीज है। दूसरा सवाल याद रखिए कि इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और जब सांस लेते हैं तो सीटी बजने की आवाज आती है, तो साथ में क्या होता है, वीजिंग साउंड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। एनसीईआरटी में एक बात और लिखी है
इसका कारण दिया है ड्यू टू, इन्फ्लामेशन इन किसमें। अब ध्यान से सुनिए, नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया था, इन्फ्लामेशन कहाँ होता है ये लोग भूल जाते हैं। याद रखिए एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखेंगे, ब्रांकाई और ब्रांकियोल। कि ट्रेकिया में करा दें कि लैरिंग्स में करा दें, नहीं तो कहाँ कराओगे, ब्रांकाई एंड ब्रांकियोल, और कहाँ नहीं कराओगे, और अपना दिमाग नहीं लगाओगे। एनसीईआरटी में ट्रेकिया नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में जो लिखा है आप वही याद रखोगे। इन्फ्लामेशन कहाँ करना है, ब्रांकाई और ब्रांकियोल में करना, ना कि कहाँ करना है, ट्रेकिया में करना। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये इन्फ्लामेशन क्यों हो गया है, तो उसका आंसर ये दिया है, ये एक एलर्जिक डिजीज है, क्योंकि यहाँ इन्फ्लामेशन कराने वाले लोग आ गए हैं। और इन्फ्लामेशन कराया है किसने है, तो इन्फ्लामेशन कराया है हिस्टामिन ने, और सिक्रीट हुआ है कहां से, तो दो आंसर मिलेंगे, या तो आंसर ये मिलेगा मास्ट सेल, और अगर ये ना मिले तो बेसोफिल लगाओगे, बस यही इतने हैं क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन याद रखना है, एलर्जिक डिजीज है, सांस लेने में दिक्कत होती है, साउंड कौन सा वीजिंग होता है, कारण सूजन होती है, इन्फ्लामेशन कहाँ, ब्रांकाई और ब्रांकियोल, किसमें नहीं, ट्रैकिया, क्यों होता है, हिस्टामिन निकल के आया है कहाँ से, मास्ट सेल से, या और कहाँ से, बेसोफिल से। बस इतने ही क्वेश्चन है किसमें, अस्थमा में। खोलो एनसीईआरटी, एक लाइन लिखी है सच, क्या, अस्थमा इज डिफिकल्टी ब्रीदिंग, वीजिंग साउंड, इन्फ्लामेशन किसमें, ब्रोंकाई और किसमें, ब्रोंकियो, फुल स्टॉप लगा दिए। लेकिन ये एलर्जिक डिजीज होती है, एनसीईआरटी नहीं लिखा है, इसमें हिस्टामिन निकलता है ये भी नहीं लिखा है, लेकिन ये पूछा गया है तो दो पॉइंट एक्स्ट्रा हमने बता दिया। अगली हेडिंग कौन सी है, इम्फाइसिमा, इम्फाइसिमा, देखते हैं इम्फाइसिमा में क्या है। देखिए दो क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला सवाल तो ये है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर कैसा है, क्रोनिक है मतलब पुराना है, ऐसा कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो काफी पुराना हो उसको क्रोनिक कहते हैं, और ताजा ताजा हो जाए तो एक्यूट, जैसे आजकल जुकाम बुखार हो रहा बच्चों को, तो जो कॉमन कोल्ड है वो एक्यूट में आएगा, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस क्रोनिक में आएगी। कोई पुरानी पुरानी बीमारी हो तो उसको क्रोनिक कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि पुरानी बीमारी है कि नई बीमारी है, तो आंसर क्या दोगे, पुरानी बीमारी है। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल ये है, क्या हो जाता है, तो कहोगे एल्वियोलाई की दीवार डैमेज होती है। अब एल्वियोलाई देखो जरा, ये मान लेते हैं कि एल्वियोलाई है और ये एल्वियोलाई की एपिथीलियम है। होता क्या है, जब सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, स-
सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो क्या होता है? इसके साथ सूट यहां आ जाता है, सूट, और वो यहां सूट डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब यहां सूट डिपॉजिट हो जाएगा तो ये एल्वियोलाई की जो वाल है ये खराब हो जाएगी। खराब होने का मतलब है कि अब इसमें O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा। अभी तक क्या चलता था? O2 CO2 का एक्सचेंज चलता था ना, अब ये बंद हो जाएगा। O2 का आना और CO2 का जाना बंद, मतलब एल्वियोलाई की वाल खराब हो गई। तो एल्वियोलाई की वाल डैमेज हो गई है, मतलब O2 CO2 का एक्सचेंज क्या हो गया? बंद हो गया। तो देखो, ज्यादा एल्वियोलाई थी तो ज्यादा सरफेस एरिया भी था, तो ज्यादा एक्सचेंज होता था। एल्वियोलाई धीरे धीरे संख्या क्या करेगी? घटेगी, क्योंकि एल्वियोलाई की दीवार खराब हो रही। तो अभी एक एल्वियोलाई खराब, थोड़े दिन बाद बगल वाली खराब, थोड़े दिन बाद बगल वाली खराब। तो आज 10 एल्वियोलाई खराब है, कल 100 खराब है, परसों 1000 खराब है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे एल्वियोलाई की संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो सरफेस एरिया भी क्या होगा? तो घटता जाएगा। एल्वियोलर सरफेस एरिया, या कह सकते हो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाएगा। कारण क्या है? तो ये कारण ये है, सिगरेट स्मोकिंग एक कारण यह है, कॉमन काज है। लेकिन क्या बीड़ी पीने से नहीं होगा? भैया सिगरेट पीने से होगा तो बीड़ी पीने से भी हो जाएगा, ये धुएं से भी हो जाएगा, तो अगर पॉल्यूशन है तो उससे भी हो जाएगा, तो एयर पॉल्यूशन से भी हो सकता है। लेकिन कॉमन काज इसका क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। फिक्स क्वेश्चन है, उस बीमारी का नाम बताओ जो क्रोनिक हो, तो आंसर क्या देंगे? इम्फाइसेमा। उसका नाम बताओ जिसमें एल्वियोलर डैमेज हो जाती हो, तो फिर इम्फाइसेमा। एल्वियोलर सरफेस एरिया या रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता हो तो फिर एम्फाइसिमा, और जो सिगरेट स्मोकिंग से होती हो तो फिर आंसर क्या देंगे? एम्फाइसिमा। इतना ही लिखा है एम्फाइसिमा में, देख लीजिए। देखो लिखा है एम्फाइसिमा इज ए, क्या? जिसमें एल्वियोलर वाल क्या होती है? डैमेज होती है। जिसमें रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या है? घट जाता है। इसका मेजर काज क्या है? लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग से ही होती है, ये एयर पोल्यूशन से भी हो सकती है। अगली बीमारी कौन सी है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखो बेटा ये क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखो इसका मतलब पहले समझो, बीमारी तो बाद में देखेंगे। ऑक्यूपेशन शब्द का मतलब होता है काम काज, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो पलट देते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जो उस व्यक्ति के काम काज से जुड़ा हो। अगर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसी के काम के नाते हो जाए तो उसी डिसऑर्डर को कहोगे क्या? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो कहाँ गए थे? काम करने, और ले आए बीमारी। जैसे देखो किसको किसको हो जाती है, तो ऐसे वर्कर जो पत्थर तोड़ने का, स्टोन ब्रेकिंग या स्टोन ग्रिंडिंग का काम करते हैं, उनको बीमारी होती है। देखो कौन सी होती है, तो कौन सा काम करोगे? स्टोन ब्रेकिंग का काम करेंगे। तो स्टोन ब्रेकिंग के जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है। उस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का नाम सिलिकोसिस होता है। आया हुआ सवाल है, सिलिकोसिस क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। कैसा? ऑक्यूपेशनल। अब क्या होता वो समझिए। तो आप जरा सोचिए कि जहां पत्थर तोड़े जा रहे हों या पत्थर घिसे जा रहे हों,
वहां क्या होगा बताओ? तो जहां पत्थर तोड़ेंगे, पत्थर घिसेंगे, वहां बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होगी, धूल होगी कि नहीं होगी। और इस डस्ट में जानते हो क्या होगा? इसमें होगा सिलिका, इस धूल में क्या होगा? सिलिका। इसको कौन इनहेल कर लेगा? सोचो ना कि जो मजदूर पत्थर तोड़ रहा है वो सांस तो वहीं लेगा कि ऐसा तो नहीं पत्थर यहां तोड़ेगा सांस वहां लेगा, जहां पत्थर तोड़ेगा वहीं सांस लेगा, तो फिर वहीं पर धूल है और धूल में क्या है? सिलिका। वो जब सांस लेगा तो सिलिका अंदर चली जाएगी, और अगर सिलिका अंदर गई तो देखो क्या होने वाला है, इनहेल बाय वर्कर। तो इसका रिजल्ट होगा इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन लंग्स। उस मजदूर के लंग्स में क्या हो जाएगी? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उसका रिजल्ट देखो क्या आने वाला है। जब इन्फ्लामेशन होगा तो वो थोड़ा बीमार हो जाएगा, उसको खांसी वांसी आने लगी, हो सकता है उसको बुखार आ जाए, तो वो काम पे जाना बंद कर देगा। जब काम पे जाना बंद करेगा तो सिलिका आना भी तो बंद हो जाएगी, और सिलिका आना बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे इन्फ्लामेशन ठीक हो जाएगा, मजदूर भी ठीक हो जाएगा। 8-10 दिन बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर से काम पे जाने लगेगा, और जब फिर से काम पे जाएगा तो फिर से वो सिलिका इनहेल करेगा, फिर से इन्फ्लामेशन होगा। तो देखो क्या होगा, इनहेल अगर मेनी टाइम हो जाए या प्रोलांग एक्सपोजर हो जाए, अगर प्रोलांग एक्सपोजर मतलब आज बीमार हुए, आज समस्या आई, काम बंद कर दिए, 10 दिन बाद फिर आए, फिर एक्सपोजर हुआ, फिर 1 महीने बाद आए, फिर एक्सपोजर हुआ, तो फिर बेचारा कब तक छुट्टी लेगा? तो काम भी करता रहेगा, बीमार भी चलता रहेगा, तो परमानेंट सिलिका अंदर जाती रहेगी, और परमानेंट सिलिका जाने को क्या कहोगे? प्रोलांग एक्सपोजर ऑफ सिलिका। ये जो प्रोलांग एक्सपोजर है किसका? सिलिका का, यही सबसे खतरनाक है। इसका रिजल्ट देखो क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इन लंग्स, लंग्स में परमानेंट इन्फ्लामेशन रहेगा, और जब लंग्स में परमानेंट इन्फ्लामेशन होगा तो इससे होगा डैमेज इन लंग। और लंग्स में जानते हो क्या डैमेज होगा बेटा? लंग्स में हो जाएगी फाइब्रोसिस लंग्स। अब ये क्या होता है, तो देखो मान लेते यहां चोट लगी है, अगर चोट में बार बार चोट लगती रहे तो देखते हो कि स्किन वहां थोड़ी मोटी हो जाती है, क्योंकि वहां फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, तो उसकी लंग्स में परमानेंट इन्फ्लामेशन है, इसी नाते वहां क्या की गई है? फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब होता है फाइब्रस टिश्यू बना देना, फाइब्रस टिश्यू प्रोली फ्रेट इन कहां? लंग्स। और इसी का रिजल्ट होगा क्या? लंग्स का डैमेज। और इसी बीमारी को कहेंगे क्या? सिलिकोसिस। क्या कहते हैं? सिलिकोसिस। तो बहुत काम के यहां क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो किसी आदमी के काम काज से जुड़ा हो तो उसको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहेंगे, पहला सवाल। जैसे ऐसा मजदूर जो काम करता हो पत्थर तोड़ने का या पत्थर घिसने का, पत्थर तोड़ने का या पत्थर घिसने का, तो वहां बहुत सारी धूल बनेगी, और उस धूल में क्या पाया जाएगा? सिलिका। सिलिका कौन इनहेल कर लेगा? वर्कर। रिजल्ट क्या आएगा? इन्फ्लामेशन। अगर बार बार एक्सपोजर होता रहा सिलिका का, अगर बार बार एक्सपोजर होता रहा सिलिका का, अगर बार बार एक्सपोजर होता रहा किसका? सिलिका का, तो ये अच्छा नहीं है। इससे क्या होगा?
क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, उससे अंततः क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे लंग्स। क्यों? क्योंकि लंग्स में हो जाएगी क्या, फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस का मतलब है क्या हुआ, फाइब्रस टिश्यू बन जाना। तो ये बहुत खतरनाक है। तो क्या कर देना चाहिए, पत्थर की तोड़ाई बंद कर देनी चाहिए। इसका बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वर्कर क्या यूज करे, प्रोटेक्टिव मास्क। तो अगर वर्कर यूज करेगा किसको, प्रोटेक्टिव मास्क यूज करेगा, तो क्या वो इनहेल करेगा सिलिका, नहीं। तो क्या बीमारी होगी, नहीं होगी। अब सिर्फ सिलिकोसिस ही बीमारी नहीं है, अकुपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अकुपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बहुत सारे हैं। जैसे एक का नाम हमने अभी लिख दिया, कौन सा, सिलिकोसिस। एक बीमारी और लिख लीजिए, बाइसिनोसिस। ये जानते हो किनको होती है, ये उनको होती है जो काटन रुई धुनाई का काम करते हैं। तो जब रुई धुनाई का काम करते हैं तो हवा में रुई आ जाएगी, पाटन के पार्टिकल, और काटन आप इनहेल कर जाओगे। तो अगर काटन इनहेल कर गए तो बीमारी कौन सी हो जाएगी, बाइसिनोसिस। एक और होती है, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टास कर इनहेल कर गए तो फिर क्या हो जाएगी, एस्बेस्टोसिस। एक और सुनिए, मोती तराशने का जो काम करते हैं, जो मोती तराशने का काम करते हैं, मोती किस चीज का बना होता है, मोती भी इसी सिलिके का बना होता है। तो मोती यही ऐसे घूमता रहेगा ना, मोती तेजी से, जब मोती तेजी से घूमेगा तो उससे सिलिका पार्टिकल निकलेंगे, इनहेल कर जाएंगे, यही खतरनाक बीमारी होगी, कौन सी, सिलिकोसिस। तो मोती के जो कारीगर होते हैं, उन कारीगरों को भी क्या हो जाती है, सिलिकोसिस। पत्थर तोड़ने वाले, जो पत्थर घिसने वाले, जो मूर्तिकार होते हैं, उनको भी क्या हो सकती है, सिलिकोसिस। ना हो क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। पढ़ो जरा, देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है। लिखा है अकुपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्री, स्पेशली जहां क्या हो, ग्राइंडिंग या क्या हो, स्टोन की ब्रेकिंग, क्या बनेगी, डस्ट। और हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको फुली कोप नहीं कर पाएगा। अगर क्या होता रहे, लॉन्ग एक्सपोजर होता रहे, तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लामेशन, और उससे क्या आएगा, फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस का मतलब प्रोलिफरेशन किसका, फाइब्रस टिश्यू। इससे क्या होगा, लंग्स का डैमेज हो जाएगा। ऐसे केसेस में जो वर्कर हैं इनको क्या पहनना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, तो बस चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज इतने पढ़ते हैं। अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे क्या, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन।